एवरीवन, वेलकम टू गोल्डीज टेस्टफुल किचन। आज हम बनाने वाले हैं हरे छोले की सब्जी। ये हरे चने की सब्जी है। हरे चने मैंने फ्रेश ले लिए हैं, एक कप अच्छे से धो लिया है। एक बड़े आलू को ना मैंने ऐसे चंक्स में काट लिया है। दो प्याज काटी हैं, एक हरी मिर्च को काट लिया है। एक टेबल स्पून धनिया पाउडर लिया है, आधा चम्मच हल्दी है, आधा चम्मच किचन किंग है और एक बड़ा चम्मच हमने कश्मीरी रेड चिली पाउडर लिया है कलर के लिए। 6 से 7 लहसुन की कलियों को मैंने कूट लिया है। एक चम्मच अदरक है जिसको मैंने ग्रेट कर लिया है। 2 टमाटर को हमने प्यूरी बना ली है। जैसे जैसे हम मसाले डालते जाएंगे आपको दिखाते जाएंगे। 2 टेबलस्पून तेल हमने गरम कर लिया है। इसमें हम डालेंगे 1 चम्मच जीरा। इसको चलाएंगे और इसके साथ ही साथ हम इसमें डाल देंगे ये कटा हुआ प्याज और हरी मिर्च और मीडियम फ्लेम पर हम इसको भूनेंगे। यकीन मानिए ये बहुत बहुत यम्मी लगती है सब्जी। इस मौसम में बहुत हरा चना आ रहा है तो आप जरूर निकाल कर बनाइए। रेडीमेड निकला हुआ भी आता है, अगर आपके पास टाइम नहीं है तो बनाइएगा जरूर ये सब्जी। आलू नहीं खाते हैं तो आलू स्किप कर सकते हैं, तो भी ये सब्जी बहुत अच्छी बनती है। इसके साथ ही प्याज के साथ हम डाल देंगे इसमें लहसुन, कुटा हुआ लहसुन, इसका फ्लेवर बहुत अच्छा आता है। इसको भी हम अच्छे से भूनेंगे। अगर आपने लहसुन अच्छा भुना हुआ है ना तो किसी को इसका पता नहीं चलता कि इसमें लहसुन डला है या नहीं, बस भुना बहुत अच्छे से होना चाहिए। देखिए प्याज अच्छे से भुनना शुरू हो गया है। अब हम डाल देंगे इसमें कुछ सूखे मसाले। प्याज भुनना ना बहुत जरूरी है कि बहुत अच्छे से भुना होना चाहिए, कच्चा नहीं होना चाहिए प्याज। और बिल्कुल सिम करके मसाले जो है भूनेंगे। अगर आपका नीचे ये मसाला लगने लगे तो आप 1 टेबलस्पून पानी डाल सकते हैं इसमें। ये देखिए प्याज हमने 1 टेबलस्पून पानी डाल दिया था और प्याज जो है वो अच्छे से भुन गया है, मसाले भी अच्छे से भुन गए हैं, कलर छोड़ दिया है। अब हम डालेंगे इसमें टमाटर। ये जो टमाटर को हमने पीसा ना वो हम इसमें डाल देंगे। ये देखिए टमाटर अच्छे से भुनने शुरू हो गया है। अब हम इसमें साथ ही साथ अदरक डाल देंगे। ऐसा करने से ना अदरक नीचे लगता नहीं है, पक भी जाता है और उसका फ्लेवर जो है वो बहुत अच्छा आता है। तो अभी हमें इसको और भुनना है मसाले को, ताकि सारे मसाले भुन जाएं, टमाटर का कच्चापन हट जाए। अगर आपको मेरी ये रेसिपी पसंद आती है तो प्लीज़ लाइक कीजिए, शेयर कीजिए अपने फैमिली फ्रेंड्स में, बेल आइकन प्रेस कीजिए ताकि मेरी लेटेस्ट अपडेट्स आप तक पहुँच सकें। ये देखिए ऐसे इसको हम मिक्स कर देंगे और बहुत अच्छी सब्जी ये बनेगी। स्वाद के अनुसार इसमें डालेंगे हम नमक। मिक्स करेंगे। मसाला अच्छे से देखिए भुन गया है। ये देखिए भुनना शुरू हो गया है, कढ़ाई छोड़ दिया है, जो टमाटर का पानी था वो सूख गया है। अब हम डालेंगे इसमें थोड़ा सा गरम मसाला, 1/4 टीस्पून से भी कम है, क्योंकि ये घर का पिसा गरम मसाला है। इसकी जो है खुशबू बहुत अच्छी आती है, स्ट्रांग है। अब हम इसमें डाल देंगे हरा चना और इसको भी हम भूनेंगे। सीजन के हिसाब से जो सब्जियां आती हैं ना जरूर ट्राई कीजिए, जरूर बनाइए। ये देखिए तो आप केवल हरे चने की भी सब्जी बना सकते हैं। 1 से 2 मिनट हम आलू और चना डाल के भूनेंगे। आलू भी डाल देंगे। ये देखिए कितने अच्छे से इसकी भुनाई हो गई है। 1 मिनट और हम भूनेंगे, फिर जितनी हमें ग्रेवी चाहिए ना उतना हम इसमें पानी ऐड करेंगे। देखिए कितना अच्छा कलर आया है। ये देखिए मसाले की भुनाई बहुत अच्छी हो गई है। देखिए आप अच्छे से चारों तरफ से मसाला जो है इस पर लिपट गया है, कोट हो गया है और अच्छे से भुन गया है। तो हमें 2 से 3 मिनट भुना है इसको। ऐसा नहीं है कि एकदम हमने पानी डाल दिया है। आप देख सकते हैं पास से 2-3 मिनट आप अच्छे से भूनिए, फिर आपको पानी डालना है।
तो जितनी आपको ग्रेवी रखनी है ना उतना आप पानी डालेंगे। ये देखिए, और कुकर में बनते भी फटाफट हैं, तो जरूरी नहीं है कि कढ़ाई में बनाएं आप, फटाफट बनाना है कुकर में बना लीजिए। थोड़ा पानी में और डाल रही हूँ और इस समय हम देख लेंगे इसमें नमक वगैरह, कलर परफेक्ट है। और अब हम कुकर को बंद करते हैं। कुकर बंद कर दिया है, अभी देखिए कुकर हमने खोल लिया है और ये कितनी बढ़िया सब्जी बनकर तैयार है, कलर कितना परफेक्ट आया है और आलू भी आप देखिए ऐसे अच्छे से आराम से मैश हो जा रहा है। ये देखिए आलू अच्छे से मैश हो गया, आपको मैं कट करके दिखाऊं साइड से, बहुत आराम से कट हो रहा है। ये देखिए परफेक्ट आलू की सब्जी बनी है, मैंने 3 विसल लगाई है। आप कुकर के हिसाब से, जैसे आपका छोटा कुकर होता है तो उसमें थोड़ा जल्दी जल्दी विसल आ जाती है तो ज्यादा लगती है, मतलब ये है कि सब्जी गल जानी चाहिए अच्छे से। अब हम इसमें डालेंगे धनिया पत्ती, इसको मिक्स करेंगे और सर्व करेंगे। तो खाने के लिए तैयार है यमी यमी सब्जी। सब्जी में भी ऊपर हम थोड़ा सा धनिया गार्निश करेंगे और आपको मैं दिखाऊं, ये देखिए कितनी बढ़िया ये छोले की सब्जी तैयार है। देखिए कितने अच्छे छोले का कलर है, कितनी अच्छी सब्जी है, बहुत ही टेस्टी है, जरूर ट्राई कीजिएगा। चावल के साथ खाइए, पूरी के साथ, रोटी के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई रेसिपी।